इसके दो काम होंगे, पहला हो गया क्या लुब्रिकेशन, दूसरा काम होगा स्टमक की वॉल को बचाना। HCl एसिडिक पीएच, HCl का एसिडिक पीएच है जैसा कि बताया 1.8 पीएच होती है, जो पेप्सिन के लिए ऑप्टिमम है। अब एक बात है यहाँ पे, जो पेप्सिन है हमारा चीफ सेल से रिलीज़ हुआ हुआ, पेप्टिक सेल से रिलीज़ हुआ हुआ, वो कौन सा है? ठीक है, पेप्सिन है। तो पेप्सिन पेप्सिन एक चीज़ कहता है कि मैं काम करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ पीएच 1.8 पे ही, एसिडिक इन्वायरमेंट में ही जो पीएच है वो काम, जो पेप्सिन है वो काम करेगा, 1.8 पे काम करेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो रेनिन गैस्ट्रिक जूस में पाए जाने वाला एक प्रोटोलिटिक एंजाइम है, यह मिल्क में उपस्थित प्रोटीन के डाइजेशन का काम करता है। अगर हम बात करें रेनिन की, किसकी बात करें, रेनिन की, तो रेनिन गैस्ट्रिक जूस में ही मिलता है और एक प्रोटोलिटिक एंजाइम है, यह मिल्क में जितना भी प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लांड्स की। गैस्ट्रिक ग्लांड्स में एक और चीज़ रिलीज होते हैं जिसको हम लाइपेज कहते हैं, लाइपेज भी सिक्रेट करते हैं। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की मस्कुलर लिस्ट में कई प्रकार के मूवमेंट उत्पन्न होते हैं और ये मूवमेंट इंटेस्टाइन के कई सिक्रेशन को भोजन में अच्छी तरह से मिलाने में मदद करते हैं जिससे कि डाइजेशन होता है। अब फूड का पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, फूड पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, फूड पहुंचेगा कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसमें क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मस्कुलर लेयर है उसमें कई सारे मूवमेंट होते हैं, कई सारे मूवमेंट होते हैं, उन मूवमेंट की वजह से ही, उन मूवमेंट की वजह से ही इंटेस्टाइन के कई सारे सिक्रेशन जो हैं, कई सारे सिक्रेशन होंगे जो कि फूड को अच्छी तरह से मिला देंगे। ठीक है, इंटेस्टाइन में मूवमेंट होंगे। अब इंटेस्टाइन में मूवमेंट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन से कुछ जूस निकल रहा होगा कुछ, तो वो इंटेस्टाइनल जूस को फूड के साथ आसानी से क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। अब जब इंटेस्टाइन में पहुंच गया तो वहीं पे बाइल जूस और पैनक्रेटिक और इंटेस्टाइनल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं। बाइल जूस आता है लीवर से, पैनक्रेटिक जूस आता है पैनक्रियाज से, और इंटेस्टाइनल जूस आता है इंटेस्टाइन से और स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हो जाते हैं। तो जो पैनक्रेटिक जूस और बाइल जूस हेप्टोपैनक्रेटिक द्वारा रिलीज होता है, मैंने कहा था कि पैनक्रियाज और जो लीवर है इनके दोनों का एक हेप्टोपैनक्रेटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट होता है, इनका कॉमन डक्ट होता है, इसको हेप्टोपैनक्रेटिक डक्ट बोलते हैं। वो आके ओपन होता है, ठीक है, वो आके कहाँ पे ओपन होता है, सी सेप्ट, उसमें होता है ड्यूडेनम में, यहाँ पे ओपन होता है ड्यूडेनम में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये ओपन होता है तो इस जगह पे क्या होता है, रिलीज होता है। तो पैनक्रेटिक जूस में मुख्यतः तीन प्रकार के एंजाइम एक्टिवेट रूप में पाए जाते हैं। पैनक्रेटिक जूस में हमने बताया कि भाई कई सारे एंजाइम्स हैं। ठीक है, तो पैनक्रेटिक जूस में जो है मेनली छह टाइप के एंजाइम जो है इनएक्टिव ही पाए जाते हैं, वे एक्टिव नहीं होते, उनको एक्टिव करना पड़ेगा। एक होगा ट्रिप्सिनोजन, दूसरा है काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और फिर है अमाइलेज, लाइपेज, फिर है न्यूक्लियस। तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में एंटोकाइनेज नामक एंजाइम सीक्रेट होता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में एंटोकाइनेज का एक एंजाइम होता है। इंटेस्टाइनल जो म्यूकोस है, म्यूकोसा एक लेयर होती है, इंटेस्टाइन में भी होती है। ठीक है, तो इंटेस्टाइन के म्यूकोसा से एक एंजाइम सीक्रेट होता है जिसको हम एंटोकाइनेज बोल रहे हैं। तो एंटोकाइनेज करता क्या है, अब एंटोकाइनेज इन एक्टिव ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में बदलता है। यह ट्रिप्सिन पैनक्रेटिक जूस में उपस्थित दूसरे एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा जितने भी एंजाइम्स हैं ये सारे के सारे इनएक्टिव फॉर्म में हैं, हमें इनको एक्टिव करना पड़ेगा अगर इनसे काम करवाना है तो। ठीक है, तो इसलिए इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से एंटोकाइनेज एंजाइम सीक्रेट हुआ। अब एंटोकाइनेज एंजाइम ने क्या किया, एंटोकाइनेज एंजाइम ने एक काम किया कि एंटोकाइनेज एंजाइम ने ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म में बदल दिया, और उसकी एक्टिव फॉर्म जो होती है, ट्रिप्सिनोजन की एक्टिव फॉर्म होती है ट्रिप्सिन, और यह है ट्रिप्सिन पैनक्रेटिक जूस। ये ट्रिप्सिन करेगा क्या, ये ट्रिप्सिन अब पैनक्रेटिक जूस में जितने भी एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करेगा। ड्यूडेनम में रिलीज होने वाले बाइल जूस में बाइल पिगमेंट, अब बात करते हैं ड्यूडेनम, जो ड्यूडेनम है उसमें क्या क्या
जूसेस रिलीज होते हैं, तो बाइल जूस होता है, बाइल जूस रिलीज होता है ना, यहाँ से बाइल जूस आ रहा है, बाल ग्रेडर से बाइल जूस आ रहा है, तो जो बाइल जूस है क्या करेगा, बाइल जूस जो है उसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, एक तो नाम है बिलीरुबिन, एक है बिलीवर्डिन, ठीक है, और बाइल साल्ट्स भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ये सभी इसके अंदर मिलते हैं, लेकिन कोई भी एंजाइम नहीं होता, कोई भी इनमें से एंजाइम नहीं है। अब सबके काम देख लेते हैं। बाइल का काम होता है कि वो फैट को इमल्सिफाइकेशन करेगा, फैट को तोड़ता है, ठीक है, हेल्प करता है फैट को बहुत छोटे मिसेल्स में तोड़ना, इमल्सिफिकेशन कहते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। बाइल लाइपेज को भी एक्टिवेट करता है। अब बाइल का दूसरा एक और काम है, वो है क्या, बाइल जो है वो लाइपेज को एक्टिवेट कर देगा। अब लाइपेज का काम क्या होता है, लाइपेज का काम भी फूड को डाइजेस्ट करना होता है, ठीक है, जब बाइल लाइपेज को एक्टिवेट कर देगा तो लाइपेज का फूड को डाइजेस्ट कर पाएगा। इंटेस्टाइन में म्यूकोसल एपिथीलियम में गोबलेट सेल होते हैं जो कि म्यूकोस सीक्रेट करते हैं, तो इंटेस्टाइन में म्यूकोसल एपिथीलियम, जो म्यूकोसल एपिथीलियम होती है उसके अंदर एक गोबलेट सेल होती है, वो गोबलेट सेल म्यूकस सिक्रीट करती है, ठीक है, तो म्यूकोसा की ब्रश बॉर्डर सेल सिक्रेशन और गोबलेट सेल का सिक्रेशन मिलकर इंटेस्टाइन जूस या सबसे बनाता है। म्यूकोसा की जो ब्रश बॉर्डर सेल है, म्यूकोसा की ब्रश बॉर्डर सेल से निकला हुआ सिक्रेशन, उसी के साथ साथ गोबलेट सेल का सिक्रेशन मिलकर इंटेस्टाइनल जूस या फिर शकस एंटेरिकस बनाते हैं। इस इंटेस्टाइनल जूस में कई तरह के एंजाइम होते हैं, जैसे कि डाइसैकेराइड, माल्टेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसिडेज, ईटीसी। म्यूकस और पैनक्रियाज में उत्पन्न बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को एसिड से बचाता है। अब क्या होता है, म्यूकस और पैनक्रियाज में उपस्थित, म्यूकस और पैनक्रियाज में क्या है, बाइकार्बोनेट है, मैंने बताया था कि म्यूकस के अंदर क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट है। म्यूकस और पैनक्रियाज में जितने भी बायोकार्बोनेट हैं उनके साथ मिलकर इंटेस्टाइनल म्यूकस को एसिड से बचाता है। अब एसिड जो है, फूड कैसा होगा, एसिडिक हो गया क्योंकि 1.8 pH से निकला, स्टमक से पहुंचा इंटेस्टाइन में, अब इंटेस्टाइन को भी तो वो जला सकता है, इसलिए म्यूकस और पैनक्रियाज में जो कार्बोनेट है वे मिलकर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को एसिड से बचाता है और एंजाइम की एक्टिविटी के लिए एक अल्कलाइन पीएच बना देता है। उस जगह पर क्या कर देता है, अल्कलाइन पीएच बना देता है जो कि 7.8 होती है। अब सब म्यूकोसा, अब हमने कहा था सब म्यूकोसा का आपको तो ड्यूडेनम में होती है, बर्नर्स ग्लैंड्स होती है, भी इसी कार्य में मदद करते हैं। सब म्यूकोसा का भी यही काम होता है कि वो म्यूकस को रिलीज करते हैं, इंटेस्टाइन को जलने से बचाती है। प्रोटीएसिस और पेप्टोन्स में प्रोटीन जो काइम में पार्शियली हाइड्रोलाइज होते हैं तथा बाकी बची अनहाइड्रेटेड प्रोटीन भी जब इंटेस्टाइन में पहुंचती है तो इनके पैनक्रेटिक जो उपस्थित प्रोलेटिक एंजाइम का एक्शन शुरू हो जाता है, जो कि नीचे दिया गया है, ठीक है। अब जो प्रोटीएसिस है और पेप्टोन्स है, मे प्रोटीन, ये दो मे प्रोटीन है जो प्रोटीन को काइम में पार्शियली हाइड्रोलाइज कर देते हैं, प्रोटीन को काइम में बदल देते हैं, और तथा बाकी बची हुई जितनी भी बची हुई अनहाइड्रेटेड प्रोटीन है जो अभी हाइड्रेट नहीं हुई जब इंटेस्टाइन में पहुंचती है, ठीक है, तो बची हुई कुछ तो होगी स्टमक में, जो बची हुई है जो नहीं हुई इंटेस्टाइन में पहुंचती है वहाँ पे पैनक्रेटिक जूस होता है, प्रोलेटिक एंजाइम्स है इनके एक्शन से हो जाते हैं, तो वहाँ पे प्रोटीन्स हो गया, पेप्टोन्स हो गया, प्रोटीएसिस हो गया, वहाँ पे स्टमक में इसमें टूट गया हमारे पास प्रोटीन। अब इसको हम तोड़ देते हैं ट्रिप्सिन की मदद से, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोपेप्टाइडेज की मदद से इसको डाइपेप्टाइड्स में तोड़ देते हैं। काइम में ही उपस्थित कार्बोहाइड्रेट पैनक्रेटिक एंजाइम से हाइड्रोलिसिस होकर डाइसैकेराइड बनाते हैं। काइम में जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा, जो भी हमारे पास फूड में कार्बोहाइड्रेट लिया तो उसका क्या होगा, पैनक्रेटिक एंजाइम, पैनक्रेटिक एंजाइम का काम होता है कि पैनक्रेटिक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलिस करके डाइसैकेराइड में बदल देता है, और पॉलीसैकेराइड स्टार्च एमाइलेज डाइसैकेराइड, जैसे कि पॉलीसैकेराइड स्टार्च है उसको एमाइलेज उसके ऊपर अटैक करेगा, उसको डाइसैकेराइड में बदल देगा। अब लाइपेज काम करता है किसके ऊपर, लाइपेज काम करता है फैट के ऊपर, लाइपेज फैट को बाइल की मदद से तोड़कर डाई और मोनो ग्लिसराइड बनाते हैं। लाइपेज क्या करता है, फैट को बाइल की मदद से तोड़कर डाई और मोनोग्लिसराइड में बदल देता है। जैसे कि फैट है तो फैट पे लाइपेज ने काम किया,
जब फैट ने लाइपेज की प्रजनन में काम किया तो वो डाइसैकेराइड में बदल दिया किसी फैट को, ठीक है, फैट को डाइसैकेराइड में बदल दिया और डाइसैकेराइड को मोनोग्लिसराइड में बदल दिया। अभी सिंपल फॉर्म में इसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है। ऐसे ही होता है जो पैनक्रेटिक जूस है, पैनक्रेटिक जूस में हमारे पास होता है न्यूक्लियसिस, न्यूक्लिक एसिड पर एक्शन कर पैनक्रेटिक जूस में जितने भी न्यूक्लियसिस हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड है पर एक्शन कर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। जैसे कि न्यूक्लिक एसिड है, हम न्यूक्लिक एसिड लेते हैं खाने के साथ, ठीक है, वो न्यूक्लियसिस उसके ऊपर अटैक करता है, न्यूक्लियसिस उसको न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है और न्यूक्लियोटाइड से उसको न्यूक्लियोसाइड में तोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब जो शक्कर एंटेरिकस में उपस्थित जितने भी एंजाइम है ऊपर की एक रिएक्शन को एंड प्रोडक्ट पर एक्शन करते हैं और इस प्रोडक्ट को सिंपली एब्जॉर्ब में कवर करते हैं। अब शक्कर एंटेरिकस में जितने भी एंजाइम्स हैं ऊपर की इस रिएक्शन को एंड प्रोडक्ट पर एक्शन करते हैं और इस प्रोडक्ट को सिंपल एब्जॉर्बर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब शक्कर एंटेरिकस इनके ऊपर जितना भी हमने अभी तक तोड़ा था अभी इसको और तोड़ा जाएगा, ठीक है। तो डाइजेशन के ये फाइनल स्टेप इंटेस्टाइन के म्यूकस इंटेस्टाइन में अब होंगे फाइनल स्टेप। यह है डाइपेप्टाइड को डाइपेप्टाइड से अमीनो एसिड में तोड़ दिया जाता है। माल्टोज के ऊपर माल्टेज काम करता है जिसको ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है, और जो लैक्टोज है लैक्टोज को डाइपेप्टाइडेज उसके ऊपर काम करता है, इसको अमीनो एसिड तोड़ता है। माल्टोज के ऊपर माल्टेज काम करता है, इसको ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ देता है। सुक्रोज के ऊपर सुक्रेज काम करता है, जिसको ग्लूकोज और फ्रक्टेज में तोड़ देता है। फ्रक्टोज लैक्टोज के ऊपर लैक्टेज काम करता है, जिसको ग्लूकोज और गैलेक्टेज में तोड़ देता है। अब न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड जो है उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइडेज काम करता है, जो कि उसको न्यूक्लियोसाइड में तोड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लियोसाइड से बना होता है, उसको न्यूक्लियोसाइड में तोड़ेगा, न्यूक्लियोसाइड से के ऊपर फिर से काम करता है न्यूक्लियोसाइडेज, फिर उसको शुगर और बेसिस में तोड़ देगा, फिर उसको हमारी बॉडी आराम से डाइजेस्ट करती है। डाई और मोनोग्लिसराइड्स फैटी एसिड, तो डाई और मोनोग्लिसराइड है उसके ऊपर लाइपेज काम करता है, उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है।